फरीदाबाद के अंदर हमें कम से कम भी 50 साल 60 साल हो गए हैं। आज तक हमारे किसी ने सुनी नहीं है। जब बोर्ड लेते हैं, लेकर बोर्ड चले जाते हैं, फिर हमारे कोई सुनाई नहीं करते। हमारी हम यही काम करते लोहारों का, हमारी समस्या है पानी की। हम टैंकर से पानी भरवाते भैया, जिस दिन पानी वाला नहीं आता उस दिन हम पूरे दिन प्यासे मरते हैं। इतना हमारा बजट नहीं है जो हम फिल्टर का पानी भरवा के अपना कर सके। पहले तो हम गाड़ियाँ लेके बैलों का व्यवहार करते थे, घूमते थे गाँव गाँव, लेकिन अब ये वो व्यवहार भी खत्म हो गया। फिर हमने लोहे का ही व्यवहार पकड़ा है, तो ये भी अब मशीनें चल गई है। ये थोड़ा बहुत ना करें तो हमारे बच्चों की रोटी नहीं निकलती है। बड़े बूढ़े खाए खाएंगे, पैर से हाथन से उठा नहीं जाएंगे, दवाई गोली बहुत खाते हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? नहीं पैसे होंगे जब खाट में बैठे रहते हैं, कहाँ से गोली दवा खाएंगे, कहाँ से दवाई खाएंगे? पिलचन बनवाओ हमारी, जाते हैं कह दे कि वहाँ पिलचन बन रही है, जाएंगे जब हमको धक्का मारेंगे। ये कहते थे कि वे फ्लैट देंगे, जगह देंगे, फार्म भरवा लिए, अभी तक कुछ जगह ना दी ना फ्लैट दी, हम कोई सुविधा नहीं होती, कुछ नहीं होता। आते इलेक्शनों से पहले वोट लेते हैं, चले जाते, ना कोई सुनवाई है ना कुछ कहते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं मिली, आती है सरकार बोल के जाते हैं, अपना वोट ले जाते हैं, कुछ हमारी मदद नहीं करते हैं। कुछ भी नहीं मिला, बड़े बड़े मोदी ना कह के सिलेंडर मिला के, सिलेंडर भी हमको नहीं मिल रहे। हमारा राशन थोड़े घने मिलते नहीं हमको, गेहूँ वो भी हमारे बंद हो गए। सबको गैस मिली है, बस हमें नहीं मिली है। राशन मिलता था हमें, वो राशन कार्ड भी हमारे बंद हो गए हैं। 500 रुपए दो राशन कार्ड तुम्हारे बनवा देते हैं, बीपीएल कार्ड, घर से 500 रुपए ले जाते हैं। गरीब आदमी कैसे कैसे करके पैसा देते हैं, ना कार्ड बनते ना बीपीएल कार्ड बनते, कोई भी कार्ड नहीं बनता, सिर्फ पैसा हड़पना चाहते हैं आज की सरकार। हम मेहनत से हमारा जब जैसे भी दाल रोटी मिलती है हम वो खा रहे हैं, लेकिन अभी सरकार ने ऐसा कोई नहीं किया तो हमारी सहूलियत करें और हमारे सामने कुछ देखें कि ये भी इंसान है, ये भी पड़े हैं रोड के ऊपर, तो इनके लिए कोई बसाया जाए, इनके लिए कुछ सहूलियत किया जाए, इनके बच्चों के लिए कुछ करा जाए, इनकी लड़कियाँ औरतें उनके लिए कुछ करा जाए, इनके लिए कोई लड़कियाँ हमारी हैं अब कहीं जंगल में जाती है लैटरिन करने, तो कोई पर्दा ना, कोई शौचालय ना, यहाँ पर तो कोई शौचालय है ना कोई, और कुछ दारू वारू पीने वाले घूमते हैं। शौचालय की रात को जाने के लिए बहुत परेशानी होती है, रात को कहाँ जाएं, शौचालय तो बंद करके चले जाते हैं, सुबह सुबह खोलते हैं 5-5 बजे 4 बजे चले जाते हैं, फिर रात को बंद कर देते हैं, 5 रुपए लेते हैं। हमारे पास ये आते हैं कि भाई वोट डालो, तो हम वोट डाल देते हैं, जब तो हमारे को वो कहते हैं तुम्हारे शौचालय भी करवा देंगे, वो भी करवा देंगे, फिर उसके बाद में कोई पूछने नहीं आता। ये झुग्गी झोपड़ी कभी बरसात आती है, कभी कमेटी आती है, तोड़फोड़ कर देती है हमारी। हार्डवेयर में आप जैसे ही आए, ठीक है, 4-5 बंदे आए थे, उनके फोटो वोटो सब ले गए, उनके नाम हम लिखवा के सब कुछ ले गए, उसके 2 दिन बाद इस पूरे पर बल्डोजर घुमा दिया। इसलिए भैया जी हमें थोड़ा घबराहट भी होती है अपना बताते हुए। सरकार जो है बहुत ज़्यादा वादा करती है, पर हमारे लोग के गरीब के लिए कुछ भी नहीं करती। गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर बने जा रहे हैं।